ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम लोग कैलेंडर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट हम लोग किए थे, इसमें इंट्रोडक्शन देखे थे, उसके बाद आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड के बारे में हम लोग जाने थे, है ना। सबसे पहले तो हम लोग टाइम देखना सीखे थे, उसके बाद देखे थे आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड के बारे में। जैसे ये आवर हैंड था, इसमें एक घंटा में कितना डिग्री बनाता है, एक मिनट में कितना डिग्री बनाता है, ये देखे थे। वैसे ही मिनट हैंड के बारे में भी देखे थे कि एक घंटा में वो कितना डिग्री बनाता है, एक मिनट में कितना डिग्री बनाता है। सेकेंड हैंड के बारे में सेम वैसे ही देखे थे, एक मिनट में कितना और 60 सेकंड में, यानी कि 60 सेकंड में कितना और 1 सेकंड में कितना, यही देखे थे हम लोग, जो कि 6 डिग्री था। उसके बाद फिर हम लोग इसमें देखे थे कि आवर वाला हैंड से मिनट वाला हैंड जो होता है वो फास्ट होता है, कितना गुना फास्ट होता है, ये भी हम लोग चेक किए थे। कितना गुना था? 12 गुना था। नेक्स्ट, एक मिनट में आवर हैंड और मिनट हैंड वाला जो सुई था दोनों के बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस था, ये भी हम लोग चेक किए थे। कितना था? 5.5 का, 5.5 का था, एक मिनट में 5.5 का था, तो 30 मिनट में निकल जाएगा इंटू 30 करके। उसी तरीके का एक मिनट का 5.5 है, तो 100 मिनट का भी निकल जाएगा इंटू 5.5 से करके। फिर हम लोग ये देखे थे एंगुलर डिस्टेंस, इसमें हम लोग क्या क्या देखे थे, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में का जो एंगल बनेगा, है ना, वो हो सकता है कि सिर्फ मिनट हैंड और मिनट हैंड में ही दे, हो सकता है कि सिर्फ आवर हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल पूछे, या फिर एक ही टाइम दे दिया जाएगा उसमें आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों के बीच का एंगल पूछा जाए। एग्जाम्पल में जैसे ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 2:16 और 2:40, एक मिनट वाला सुई यहाँ होगा, एक मिनट वाला सुई यहाँ होगा, यहाँ पर एंगल पूछा है कि नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, 2:16, तो जो आवर वाला सुई होगा एक यहाँ पर होगा, और 2:40 होगा तो आवर वाला सुई यहाँ होगा, तो हो सकता है कि यहाँ वाला एंगल भी पूछ दे, हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन था यहाँ पर कि 2:16 हो रहा है, यहाँ पर एंगल पूछ दे बस। तो ये तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये तीनों का क्वेश्चन के लिए यहाँ पर क्या यूज करते हैं, एंगुलर डिस्टेंस। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर डिस्टेंस मीन्स टाइम दिया हुआ रहेगा, एंगल निकालना है। क्या पूछ रहा है इसमें, टाइम दिया हुआ रहेगा, एंगल निकालना है, है ना। उसके लिए हम लोग ट्रिक भी यूज किए थे, ये पढ़े थे हम लोग, ये वाला जिसमें 6:15 हो रहा था, ये वाला टाइम, और यहां पर एंगल पूछा गया था, जिसके लिए हम लोग ट्रिक क्या यूज किए थे, हाँ ये 15 पर है, इसका मतलब इसका काटा कहां होगा, मिनट वाला 3 पर, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस जो है प्लस में आया या माइनस में, प्लस में, ये प्लस में था, इसको किसे मल्टीप्लाई किए थे, 30 से, 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये अगर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रखेंगे, और उसके बाद ये 15 है, ये मिनट है, इसका आधा कर देंगे, तो 15 का आधा ये 7.5 को यहाँ रख देंगे और फिर ऐड कर देंगे, कितना आएगा 90 + 7.5 = 97.5 डिग्री, यही था। और इसी को हम लोग क्या बोले थे, एंगुलर, एंगुलर डिस्टेंस, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कोणीय दूरी, ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, कोणीय दूरी। ठीक है, यही था। इसी की तरह से ये सारे टाइम का भी हम लोग निकाल लेते हैं, किए थे, उसके बाद ये टाइम भी देखे थे, 2:10 में कितना डिग्री का कोण बनता है, और कौन बना रहा है ये कोण, कौन बना रहा है, मिनट हैंड, ये भी हम लोग देखे थे। मिनट हैंड, एक मिनट में अगर 6 डिग्री जाता है तो 2 घंटा में कितना डिग्री जाएगा, प्लस कर देंगे जितना डिग्री जाएगा, फिर 10 मिनट में जितना आगे जाएगा वो सब को लेकर के जोड़ देंगे, टोटल कितना आया था, 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट हैंड, तो एक राउंड लगाने में 360 डिग्री जाएगा पूरा, दूसरा राउंड लगाएंगे, 1 घंटा में 1 राउंड खत्म हो जाता है, तो 2 राउंड खत्म होगा 2 घंटा में, तो कितना था, 360, 360, 720,
प्लस मिनट वाला हैंड एक मिनट में 6 डिग्री आगे जाता है ना, एक मिनट में 6 डिग्री आगे जाता है, 5 मिनट में कितना डिग्री आगे जाएगा, 30, 10 मिनट में 60 डिग्री, तो यही 60 डिग्री को ऐड कर दिए थे, टोटल कितना डिग्री हो गया था, तो ये वाला 780 यही है, ये उर्दू में नहीं लिखे हैं, ठीक है, यही है सेम। नेक्स्ट हम लोग ये भी देखे थे कि दो टाइम दिया हुआ रहेगा, एक एएम में है एक पीएम में है, उसके बाद हम लोग क्या किए, ये लोग दोनों के बीच का टाइम निकाले कि कितना दूर कितना अंतर है टाइम में, और उसके बाद फिर हम लोग निकाले कि आवर हैंड, इसमें जो पूछा आया है वही हम लोग को निकालना है, आवर हैंड पूछा है तो आवर हैंड के बीच में हम लोग क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। यहां से यहां तक इसके टाइम के बीच में टोटल कितना घंटा था, 4 घंटा था और 52 मिनट भी था, तो इसमें हम लोग देखे थे कि आवर हैंड जो होता है वो एक घंटा में कितना डिग्री जाता है, 1 घंटा में 30 डिग्री, यही यहां से यही ना गया आवर हैंड, 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा में, और यही वाला आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ता है, तो 52 मिनट में 26 डिग्री आगे बढ़ेगा। उसके बाद दोनों को क्या किए थे, तो ये आया था 146 डिग्री, ठीक है, ये भी क्लियर था। फिर उसी तरीके का सेम टाइम ये भी था, ये किए थे हम लोग, ये भी किए थे 10:36 और 2:42, जो यहां पर -8 किए थे वहां पे +6 भी किए थे, इसमें याद आया, यहां 5 घंटा में -8 किए थे ना, -8 मिनट, और यहीं पे 5 घंटा में क्या किए, +6 मिनट ऐड किए थे, तो फिर ये लोग का निकाले थे कि टोटल कितना घंटा हुआ, और 1 घंटा में यही सेम आवर हैंड ही है, 1 घंटा में कितना डिग्री आगे बढ़ेगा, तो फिर 5 घंटा में कितना बढ़ेगा, और मिनट हैंड में भी वैसे ही था, 1 मिनट में आधा, तो 6 मिनट में 6 का आधा 3, और फिर सबको क्या किए थे, उसको जोड़ दिए थे, याद है। नेक्स्ट हम लोग ये देखे थे, नहीं देखे थे, देखे थे, तो इसमें हम लोग ये भी चेक किए थे कि ऐसा वाला टाइम कब आता है, जब मिनट वाला सुई और आवर वाला सुई जो होता है वो एक ही नंबर पर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे कि यहां पर क्या बता रहे हैं कि अगर 1 बज रहा है और यहां पर 5 मिनट हो रहा है, तो ऐसे में ये जो मिनट वाला सुई होगा वो कौन से नंबर पर होगा, 1 पर ही होगा। उसी तरीके से यहां पर 10 मिनट हो रहा है, तो ये वाला 2 पर होगा मिनट हैंड, और आवर हैंड भी ऑलरेडी 2 पर है, तो ऐसे में जब माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो जाता है, तो ऐसा जब कंडीशन बने जहां पर मिनट हैंड का जो सुई हो उसी नंबर पर हो जितना घंटा चल रहा है, वैसे में माइनस करने पर सारा 0 हो जाता है, और फिर 0 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो 0 हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या बनता है कि जितना मिनट दिया हुआ है, जितना मिनट दिया हुआ है उसी का आधा यहाँ पर डिग्री होता है, समझ रहे क्या बोले, जितना मिनट दिया हुआ है उसी का आधा यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे 20 का 10, 25 का 12.5, 30 का 15, 35 का 17.5, 40 का 20, 45 का 22.5, 50 का 25, और 55 का 27.5 डिग्री, इस तरीके से आता है। ऐसा कब होता है, जब आवर वाला और मिनट वाला सुई एक ही नंबर पर हो, वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है ना, जरूरी नहीं है कि 11:55 हो रहा है तो ये वाला जो आवर वाला सुई है वो भी 11 पर ही होगा, होता है क्या, 11:55 यानी कि 12:05 बाकी है, ऐसा हो जाएगा ना, लेकिन फिर भी ये 11:55 क्या रहेगा ना, तो यही वाला बता रहा है कि जब भी टाइम हम लोग ऐसे लिखते हैं और जब हम लोग को पता चल जाता है कि जो आवर वाला हैंड है वो उसी जगह पर रहेगा, उसी टाइम के बीच में रहेगा जहां पर मिनट वाला हैंड भी चल रहा है, ऐसे में जो आंसर होता है यानी कि जो एंगुलर डिस्टेंस होता है वो होता है मिनट का आधा,
जितना मिनट हो रहा है उसका आधा होते जाता है। और यहाँ पर भी ध्यान देंगे, एक मिनट से दूसरा एंगल, जैसे यहाँ पर देखिए 1:05 और 2:10, यहाँ पर देखिएगा दोनों के डिफरेंस कितना का है, ये वाला। उसके बाद फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर डिफरेंस कितने का होते जा रहा है, सब में 2.5 डिग्री का है ना, क्या क्या 5 बोल रहे हैं, 2.5 हुआ ना यहाँ पर, ढाई ढाई डिग्री आगे बढ़ते जा रहा है सब में, ठीक है। तो यहाँ पर ही ये पता चल रहा है कि जब टाइम सीक्वेंस में बनते जाएगा, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरीके से जाएगा, तो जो एंगल में एंगुलर डिस्टेंस होगा उसमें डिफरेंस कितने कितने डिग्री का होगा, ढाई ढाई डिग्री का। और ऐसा कब होगा, जब मिनट वाला हैंड और आवर वाला हैंड एक ही नंबर के अंदर में हो, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग कब कर सकते हैं कि जितना मिनट दिया हो उसका आधा डिग्री यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर 2:10 हो रहा है तो 10 का आधा डायरेक्टली 5 डिग्री लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब 10 मिनट हो रहा हो तो मिनट वाला सुई कहां पर होगा, 2 पर ही होगा। 4:20 कितना होगा, 10 डिग्री, कैसे, क्योंकि ये 20 मिनट हो रहा है, इसका मतलब यहां पर सुई कहां है, मिनट वाला 4 पर ही है, तो ये 4 में से 4 माइनस हो जाएगा, अब ठीक, ये किए थे हम लोग उसी के जैसा कुछ, यहां पे भी टाइम निकाले थे, निकला था ये नहीं हुआ था, यही तक हुआ था बस, चलिए तो आज से स्टार्ट कर देते हैं यहीं से, ठीक है। कल जो नहीं हुआ था उसको भी इसी में इंक्लूड कर लिए, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। आज से चौथा दिन होने वाला है कैलेंडर स्टार्ट करने का, और आज से जो स्टार्ट करने वाले वो पहले वाले पर ही बेस्ड है। साथ में जो ट्रिक यूज किए थे उसमें एक फॉर्मूला दी है, आप लोग को अगर ट्रिक लगता है कि बहुत ज्यादा लंबा है तो आप लोग वैसे टाइम में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा, बस कैलकुलेशन अपना स्पीड रखिएगा, हो जाएगा वो भी, ठीक है। आइए देखते हैं, ये वाला जो टाइम है इसको हम लोग करते हैं, लेकिन ये करने से पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला भी है, ये वाला फॉर्मूला है मोड के अंदर 30 into hour, आवर यानी घंटा वाला सुई, माइनस 11/2 into मिनट, और ये सब मोड के अंदर है। मोड के अंदर होने का मतलब होता है कि जो भी आंसर आएगा वो अगर माइनस भी होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि एंगल जब भी हम लोग निकालेंगे इससे क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे, है ना, ये एंगल निकालने का ही फॉर्मूला है। लेकिन एंगल कभी भी माइनस में जाता है क्या, नहीं ना, हम लोग प्रोटेक्टर भी देखते हैं, कंपास नहीं चांद ना, उसको चांद हम लोग देखते हैं, तो ये भी देखते हैं कि जीरो से इधर से स्टार्ट होता है और यहाँ 180 डिग्री तक खत्म हो जाता है, और वही वाला चीज इधर भी जीरो से स्टार्ट होता है तो इस साइड आकर के 180 पर खत्म हो जाता है। कभी भी इधर में -0, -1 हुआ है क्या, या फिर इधर अगर 180 पर खत्म हुआ तो इधर वाला माइनस से शुरू हुआ है क्या, नहीं ना, यानी कि अभी भी हम लोग कभी भी एंगल जो मेजर करते हैं वो कभी भी माइनस में नहीं जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी जब हम लोग फॉर्मूला बनाए थे तो इसके जगह पर हम लोग क्या यूज कर दिए, मोड यूज कर दिए, ताकि जो भी आंसर आए अगर वो माइनस में भी होगा तो मोड में जाकर के वो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दें तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ ध्यान देंगे 2 को यहाँ ले जाइए, कितना हो जाएगा 60 ऐसे लिख सकते हैं, -11 ये m में रहेगा और /2 ये भी मोड के अंदर रहेगा, तो दो फॉर्मूला हो सकता है, एक ये उल्टा बन गया, इसको इधर होना चाहिए था, ठीक है। ये वाला अगर ये है तो दोनों फॉर्मूला याद हो गया, दोनों फॉर्मूला याद हो गया। अब इसको ट्राई कीजिए किस किस से बना सकते हैं, फॉर्मूला थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, हाँ फॉर्मूला कर सकते हैं, जो कुछ भी करना है कर सकते हैं, इसमें जिससे चाहे कर सकते हैं।
कीजिए। ये फॉर्मूला ये कलर अच्छा है, इसी का यूज करेंगे। किसका? सही है, सही है, वेरी गुड। आगे बनाइए, जिससे चाहे यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से कीजिए, नहीं होगा तो उससे कीजिए। Thank you.
चलिए बस अब यहाँ देखते हैं, टाइम अप इसमें आते हैं, ठीक है। 2:55 है ना, इसका मतलब यहां पर ध्यान देंगे जो 55 मिनट हो रहा है उसमें सुई कहां पर होगा, मिनट वाला कहां पर होगा, 11 पर, और ये किस पर है, ये दिख रहा है ना, इसमें भी यूनिक कलर मिला है मेरे को, इसी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर 2 में से 11 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, -11 जब क्रॉस होगा तो जो भी आंसर आएगा जब माइनस करेंगे, बड़ा वाले के साइन के साथ माइनस है, यानी 11 जो है बड़ा वाला उसके साथ माइनस का साइन है, तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, कितना आएगा, -9 होगा, 11 में से 9 माइनस किए लेकिन बड़ा वाले के पास माइनस का साइन है, यानी 11 के पास माइनस का साइन है, इसीलिए ये -9 ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 30 से, ठीक है, कर लिए माइनस यहां पे, इसीलिए यहां पे भी माइनस करेंगे, माइनस तो कर रहेंगे लेकिन 55 का आधा भी लिखेंगे, 55 का आधा क्या था, 27.5। अब यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, 39 जा माइनस 270 था, उसके बाद ये 27.5 डिग्री को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 25.5 ना, सच में ना, ठीक है, आप लोग बोलते तो मान लेते हैं, ठीक है, तो इतना डिग्री आ गया, यानी कि 2:55 पर घड़ी में मिनट और घंटा वाला जो सुई है दोनों के बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस होगा, 2:55, यानी एक यहां जाएगा और एक यहां जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हाँ बता रहे, यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर देखिए, यहां से यहां तक के बीच में यही ना डिफरेंस आ रहा है, 30 डिग्री, कितना हुआ, 90, यहां से यहां तक के बीच में फिर 30 डिग्री ही जाके आएगा, आगे कितना जा सकता है, यहां से यहां तक ज्यादातर 30 डिग्री आगे जाएगा, ये 5 मिनट में ये अगर 3 पर पूरा पहुंच गया तो 30 डिग्री आगे जाएगा, यानी कुल मिलाकर के कितना डिग्री हुआ, 120 तक ही हुआ, उससे थोड़ा सा कम ही हुआ है ना, लेकिन जो आंसर आया है वो तो 242.5 डिग्री आया है, तो अब ये कौन सा वाला एंगल करेंगे, बड़ा वाला को लेंगे, है ना, इसका मतलब 242.5 डिग्री जो है वो ये वाला एंगल है, यहां से यहां तक गए, है कि नहीं, बड़ा वाला एंगल है। देखिए सिंपल सी बात है, यहां वाले पे भी कंफ्यूजन करेगा, ऐसा अगर कंफ्यूजन यहां पर कैसे पता चल रहा है, यहां पर देखिए स्ट्रेट लाइन जब बनता है, स्ट्रेट लाइन जब बनता है यानी कि अगर टाइम हो रहा होगा ये तो स्ट्रेट लाइन हो रहा होगा ना, तो ऐसा वाला जब टाइम हो रहा हो जहां पे स्ट्रेट लाइन बने तो इससे तो हम लोगों को पता चल जाता है कि कोई भी लाइन अगर स्ट्रेट है तो उसमें डिग्री कितना डिग्री का एंगल होगा, 180। इसका मतलब कि कोई भी एंगल अगर 180 से बड़ा है इसका मतलब ये बड़ा वाला एंगल चला गया, ये 242 है ना, इसका मतलब ये बड़ा वाला एंगल हो गया, इसका मतलब कि हम लोगों को कभी भी जब भी निकालना होगा एंगल तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, छोटा एंगल। एग्जाम में भी पूछता है ना, तो एग्जाम में 3 तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, पहला 2:55 में सबसे छोटा एंगल मिनट और आवर हैंड के बीच में कौन सा होगा, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये बोला जाएगा कि दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का होगा, इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं बोला जाएगा, तीसरा बोला जाएगा कि बड़ा एंगल कौन सा होगा। तो ऐसे में पहला क्वेश्चन में अगर बोल दिया छोटा एंगल तो यही वाला सेम एंगल को निकाल करके 360 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आ जाएगा इजीली आंसर, है ना, छोटा अगर पूछा जाए तो, बड़ा पूछा जाए तो यही लिख देना है कि नहीं, क्योंकि जो भी छोटा होगा वो तो इससे कम ही होगा ना, ये 180 से पहले से ही ज्यादा है, इसका मतलब जो भी छोटा एंगल आएगा वो 180 से कम आएगा,
180 से कम आएगा तो बड़ा एंगल कौन कहलाएगा? यही तो बड़ा पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसी को लिख देना है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसमें यहां पर सिर्फ क्या लिखा रहेगा कि एंगल बताइए, जैसा इसमें लिखा हुआ है 2:55 में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल बताइए, ऐसे जगह पर हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा वाला रहेगा एंगल उसी को हम लोग पहले लिखेंगे, जो एंगल छोटा होगा उसी को हम लोग पहले लिखेंगे। पहचानना सीख लिए, अगर वो एंगल 180 से ज्यादा होगा तो हम लोग 360 से उसमें माइनस कर देंगे, जो भी एंगल आएगा वो छोटा एंगल होगा और वही वाले एंगल को एग्जाम में टिक लगाना है, जो आएगा आंसर छोटा वाला उसी को लिखना है। बोलेंगे छोटा ही क्यों लेंगे, तो छोटा इसलिए लेंगे क्योंकि अगर घर से ट्यूशन आ रहे हो और रास्ते में लेट हो रहा होगा, ठीक है, ट्यूशन का टाइम है 4 बजे, आ रहे हैं दौड़े दौड़े, पता चल गया चलते चलते साइकिल का टायर पंचर हो गया, ले जाकर के दे दिया, अरे भाई मैकेनिक जो भी हो साइकिल मेरा ठीक करो, हम जाते हैं। तो अब वहां से जब निकलेंगे ट्यूशन के लिए और हार्डली 5 मिनट ही बचा हुआ है आपके पास और जाना काफी दूर है, तो ऐसे में शॉर्टकट यूज करेंगे या फिर एकदम घूम करके पूरा गिरिडीह पचम्बा सब जगह घूमते हुए लर्नर्स पॉइंट तक आएंगे, घूम करके आएंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे? हाँ, तो जो भी यूज करेंगे शॉर्टकट होगा कि नहीं, सबसे छोटा रास्ता ही पहुंचेंगे ताकि जल्दी पहुंच सके, है कि नहीं? हम लोग चाहते हैं ट्यूशन ले आकर के पढ़ना, ये नहीं चाहते हैं कि ट्यूशन के लिए निकले हैं लेकिन पूरा गिरिडीह घूमते हुए ट्यूशन पहुंचना तो नहीं ना चाहते हम लोग, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा रास्ता। उसी तरीके से यहां पे भी बोलेंगे कि अगर यहां से यहां तक का जो दिया हुआ है टाइम उसके बीच में जो एंगल निकालेंगे वो सबसे छोटा वाले एंगल को पहले हम लोग प्रेफर करेंगे, छोटा वाले एंगल को पहले अहमियत देंगे, यही बोल सकते हैं, है ना? जैसे अगर बोला जाए कि यहां से झंडा मैदान जाना है, दो तीन रास्ता है, पहला रास्ता है कि यहां से निकले और सीधे गली से निकल गए ये रोड से, है ना? दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये इधर से निकलेंगे उधर चर्च वाला गली से बाहर निकलेंगे फिर घूमते हुए मधुबन के बेजेस के पास तक पहुंचेंगे, ये 2 रास्ता है, ठीक है? उसके अलावा बीच में गली वगैरह भी है, उसको अगर साइड में रखते हैं तो लॉन्गेस्ट वो है शॉर्टेस्ट ये है, तो हम लोग कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं, छोटा वाला, है ना? अब वैसा वाला तो नहीं ना कर सकते कि 500 रुपए का पेट्रोल खर्च करके 500 रुपया का चाय पीने जा रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, छोटा वाला रास्ता यूज करते हैं, तो इसके लिए हम लोग छोटा एंगल यूज करेंगे। अच्छा बताइए यहां पर अब छोटा एंगल क्या होगा, ये पॉइंट है तो यहां पे भी 0 लग सकता है, 10 में से 5 गया 5, ये 0 था लेकिन ये इसको दे दिया 9 हो गया, 9 में से 2 गया 6 है, ये 5 हो गया, 5 में से 4 गया और 3 माइनस 2 यानी कि कितना हुआ 117.5 डिग्री, ये है छोटा वाला आंसर, ठीक है? एग्जाम में ऑप्शन जब दिए रहेगा ना तो ये सब ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन एक ये भी रहेगा, एक ये भी रहेगा, दूसरा रहेगा ये, None of the above, not a, ठीक है? तो ये ऑप्शन है, तो इसमें आप क्या टिक करेंगे, इसमें क्या आंसर टिक करेंगे? यहां पर क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया है कि 2:55 में मिनट और आवर हैंड के बीच में कौन सा एंगल निकालेंगे, तो कौन होगा? हाँ, तो यहां पर क्या लिखेंगे, क्या टिक करेंगे? बोथ एंड भी, समझे यहां पर क्या बता रहे हैं हम? अगर यहां पर नहीं बोला कि इसमें से बड़ा एंगल कौन है, खाली बोला एंगल बताइए, इसमें खाली बोला है एंगल बताइए, सिर्फ पूछ रहा है एंगल बताइए, तो एंगल के लिए अगर पूछ रहा है तो ये और ये दोनों अगर सही है तो बोथ ए एंड बी लिख देंगे, इधर से जाएंगे तो नीचे वाला आएगा और इधर से जाएंगे तो ऊपर वाला मिलेगा आंसर, तो बोथ ए एंड बी। दूसरा ऑप्शन यहां पर अगर ये ना रहे,
अगर ये वाला जो है वो ना रहे, सिर्फ ये ही रहे और उसके अलावा यहाँ पर दूसरा दे दिया जाए या फिर ये दे दिया जाए, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? और यहाँ पे भी बस यही पूछ रहा है कि सिर्फ एंगल बताइए, छोटा बड़ा नहीं बोला। तो अब इसमें क्या यूज करेंगे? गुड, सही है, 117.5 यही यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे अभी पता चल गया हम लोगों को, क्योंकि ये सबसे छोटा वाला एंगल है और जो छोटा होता है उसी को हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, है कि नहीं? घर में भी अगर कोई छोटा भाई बहन होता है तो उसको कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार कर लेते हैं। हाँ, वो बड़े बदमाश बन जाते हैं, वो अलग बात है, है कि नहीं? हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, जो छोटा एंगल होगा उसको ज्यादा वैल्यू देंगे, भले ही इसमें अगर अलग से पूछा कि बड़ा एंगल कौन है तब हम लोग बड़ा मिटिक लगाएंगे, ठीक है? और अगर बोथ और नन का ऑप्शन कहीं रहे तो बोथ मिटिक लगाएंगे, लेकिन अगर बोथ नहीं रहा, ऐसा वाला रहा सिर्फ नंबर वाला, तो हम लोग सबसे छोटा वाला को टिक लगाएंगे। ये क्लियर है? यही वाला चीज फॉर्मूला से करते हैं, 60 इंटू आवर कितना 2 माइनस 11 इंटू मिनट कितना बाय, चलिए माइनस कीजिए, ये मोड में, ठीक है, और ये 2 से, और ये भी मोड में आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा 485, यहाँ पे माइनस है बड़ा वाले के साथ तो ये माइनस में ही रहेगा, बाय 2, और ये मोड में है तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो सेम यही आंसर आएगा, माइनस में आएगा लेकिन मोड से बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो इसका भी आंसर ऐसे ही आ रहा है। तो हम लोग दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए आसानी हो, ठीक है, जो आपको आसान लगे। तीसरा ऑप्शन यहां पर ये वाला के लिए, ये वाला नंबर के लिए देखते, ये तो इजीली हो जाएगा ना, 30 पर है, यानी कि मिनट हैंड कौन सा नंबर पर होगा, 6 पर। अगर यहां पर मिनट हैंड, देखिए यहां पर जो भी अब तक मैं नंबर ले रहे थे वो 5 से डिविजिबल था, यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30 जो भी था यहाँ पे 5 से आराम से कट जा रहा था। लेकिन अगर ऐसा नंबर दिया 6:18, 9:31, 6:31, ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? कौन सा वाला फॉर्मूला? यही फॉर्मूला, हाँ ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हैं। दूसरा हम लोग इसमें ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, वही वाला ट्रिक, थोड़ा सा इसमें हो सकता है, लॉन्ग थोड़ा सा जा सकता है, लेकिन कर लेते हैं, क्योंकि अगर फॉर्मूला में कैलकुलेशन करना हुआ और वो हार्ड लगा तो हम लोग ट्रिक यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मिनट जो दिख रहा है ना, ये मिनट, हम लोग को बस पता क्या करना है कि इतना मिनट हो रहा है तो मिनट वाला सुई कौन से जगह पर होगा, बस यही ना पता करना है हम लोग को। तो इसके लिए ये जो मिनट था उसको हम लोग डिवाइड कर रहे थे 5 से, 5 से ही ना सबको डिवाइड कर रहे थे। अगर ये डिवाइड का साइन को हटाना था तो ऐसे लिख रहे थे, बचपन से ऐसे ही ना डिवाइड करते आ रहे हैं, 3/4 है इस तरीके से और ये डिवाइड के साथ है, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है तो इसको उल्टा कर देते थे 4/3 ऐसे, तो उसको भी यहाँ पे डिवाइड का साइन को चेंज करना है मल्टीप्लाई में तो 5 के नीचे 1 मान करके 1/5 उल्टा कर देते हैं, इसको कर दिया उल्टा, यहाँ हो गया 1/5। अब ये तो कट जाएगा आराम से, कब? जब यहाँ पर 15 होता या फिर 5 का मल्टीपल होता, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे ये जो नंबर है ये 5 से पूरी तरह से नहीं कट रहा है, तो हम लोग पता ही क्या कर दिए, इसको आसान होने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब इससे क्या होगा, इसको आराम से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 36, 5 2 10। अब इसको हटा करके राइट साइड से एक नंबर के बाद पॉइंट बिठा सकते हैं, यानी कि जो भी मिनट दिया हुआ है यहां पर, हम लोग को अगर पता करना है कि इतना टाइम में मिनट वाला सुई किस जगह पर होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, ये 18 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 18 टू 36, एक डिजिट के बाद पॉइंट 3.6 आ गया।
ये कर दिए, इसका मतलब कि इस जगह पर मिनट वाला सुई है, इस जगह पर मिनट वाला सुई है, तो और माइनस करेंगे, 6 में से 3.6 माइनस कितना जाएगा, 2 पॉइंट है, 4 होगा, ठीक है, 6 में से 3 माइनस हुआ है, यानी प्लस में ही रहेगा ये, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस 36 से, आएगा कितना 24, 3 जा 72, ये जीरो यहां पर आएगा, लेकिन पॉइंट के कारण ये जीरो हट जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ 72, ये प्लस में था इसलिए यहां पे भी प्लस, अब प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे ये जो मिनट हो रहा था अब तक मैं इसी का आधा कर रहे थे ना जी, तो इस बार भी इसी का आधा करेंगे, 18 का आधा 9, अब ये सबको जोड़ देंगे कितना आएगा, 81 डिग्री, समझे, ये है, और अगर ये हार्ड लग रहा है तो इसी के जगह पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 60 × 6 माइनस 11 × 18 डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, अब कितना आएगा, इसको कीजिए 198 आ गया, सच में, अब इसको माइनस कीजिए, वन सिक्सटी टू, अब इसको डिवाइड कीजिए क्या आएगा, 1.62, ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है, दो तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, पहला तरीका ये वाला ट्रिक जिससे हम लोग कर सकते हैं, अगर याद रहा तो एग्जाम में कर सकते हैं, नहीं रहा तो ये फॉर्मूला भी है, ये गलत नहीं होगा, ठीक है, तो ये दोनों तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको भी ऐसे ही देखते हैं ट्रिक से, और फिर फॉर्मूला से तो पता ही कि निकल जाएगा, ठीक है, 31 का क्या करेंगे, इसको दोगुना कर देंगे, 31 62 और 10 से डिवाइड कर देंगे तो 6.2 आएगा, अब 6 में से 6.2 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 0.2 होगा, और ये माइनस में होगा क्योंकि 6.2 जो है वो 6 से बड़ा है, अब इसे किसे करना था मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 6, कैसे 6 होगा, अगर यहां पर इसको हटा देंगे तो 32 जा 60 और एक डिजिट के बाद पॉइंट, ये कट गया, ठीक है, तो कितना होगा 6 प्लस, प्लस नहीं यहां पे माइनस है, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, माइनस कितना, इसका आधा कितना होगा, कितना, हाँ तो वैसे भी माइनस में कभी होता नहीं ना, ये कितना होगा, 8.6 बज करके इसको हटाते, ठीक है, 31 मिनट, 6 बज करके 31 मिनट, यानी ये और ये, ये वाला एंगल आ गया, समझे, इसको देख करके ये मत सोचिएगा कि अगर ये माइनस में आ रहा है तो कैसे होगा, क्योंकि एंगल कभी भी हम लोग माइनस में नहीं लेते हैं, है ना, तो यहां पर भी आंसर आ रहा है इजीली 8.6
5 डिग्री में, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, हम ऐसे ही बना दिए ठीक है। ये वाला भी सेम वैसे ही जाएगा, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 8 बजे का क्या था? डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, और नहीं तो हम लोग ये ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। पक्का 9 बजे कितना डिग्री होगा? 270 और 90, बड़ा वाला एंगल 270 डिग्री का, छोटा वाला 90 डिग्री का। दूसरा 3 बजे, 3 बजे भी सेम यही होगा, ये इधर जाएगा, इधर से 270 और इधर से 90 डिग्री ठीक है। 8 बजे का एक सौ 30 कितना? 240 कहाँ हुआ था? उधर से बड़ा वाला एंगल 240 डिग्री का निकाले थे। आ गया आंसर ठीक है, तो क्लियर हुआ। ये दो तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं। डाउट है इसमें? आगे बढ़े। ये फॉर्मूला हो गया था, अब ये वाला टाइम, ये भी सेम उसी के जैसा है, चाहे तो वो फॉर्मूला लगा करके बना सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्टली ट्रिक से बना सकते हैं ठीक है। ये होमवर्क में रह जाएगा, होमवर्क दे रही इसको, सेम बनाइएगा। अब यहां देखिए ये वाला, चलिए देखिए, टू फाइंड द टाइम एट 0 डिग्री एंगल। अब यहां पे देखिए, अब तक हम लोग टाइम कैसे निकाल रहे थे कि कुछ टाइम दिया हुआ था कि इतना बज करके इतना मिनट है या फिर ये टाइम हो रहा है, और इसमें पूछा जा रहा था कि एंगल कितना होगा, कितना डिग्री का एंगल होगा। टाइम दे दिया जा रहा था, एंगल पूछा जा रहा था। अब यहाँ पे उल्टा है, उल्टा क्या है, एंगल दे दिया गया है कि 0 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री ये निकालना है, लेकिन टाइम कितना बजे निकलेगा ये आप लोग को बताना है। तो एग्जाम्पल में स्टार्ट कर रहे हैं 0 डिग्री से, 0 डिग्री का एंगल चाहिए दो टाइम के बीच में, मीन्स 1 बजे से 2 बजे के बीच में। कब ऐसा टाइम होगा? जब मिनट वाला सुई और आवर वाला सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर हो और डिग्री एकदम 0 डिग्री बने, मतलब 1 बजे से 2 बजे के बीच में कोई तो ऐसा टाइम होगा ना जब मिनट वाला सुई आवर वाला सुई के ऊपर ही बैठा हुआ हो। उसी तरीके का ऐसा टाइम 2 बजे से 3 बजे तक के बीच में भी हो सकता है, यही वाला टाइम 3 से 4 के बीच में भी हो सकता है, यही वाला टाइम 4 से 5 के बीच में भी हो सकता है, हो सकता है ना। मीन्स हर एक घंटा में एक टाइम ऐसा आता है जब मिनट वाला सुई और घंटा वाला सुई आपस में एक दूसरे के ऊपर ही बैठ जाता है और वहां पर वो 0 डिग्री का एंगल बनाता है। हर एक घंटा में एक टाइम ऐसा आता है, दोबारा नहीं हो सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि देखिए एग्जाम्पल में यहां देख रहे हैं कि 1 बज करके के कुछ मिनट पर ये दोनों एक जैसा है ठीक है। अब ये इस टाइम पर तो 0 डिग्री का एंगल बना लिया, दोबारा यहां से यहां तक आएगा घूम कर गया ना, दोबारा ये घूम जाएगा ना, तो अगर मिनट वाला सुई आगे बढ़ गया तो आवर वाला क्या यही बैठा रहेगा, वो भी आगे बढ़ जाएगा, और ये जब वापस घूम करके यहां तक आएगा तो अब तक में ये आवर वाले सुई 2 पर जा चुका होगा, यानी 1 घंटा पार। तो इसीलिए 1 घंटे में ऐसा सिर्फ कितने बार हो पाता है, एक ही बार। कितने बार हो पाता है ये? एक ही बार हो पाता है ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि 1 आवर में ये कितने बार, 1 बार, 2 घंटे में, लेकिन 12 घंटे में, 12 घंटे में 12 बार, 12 घंटे में 11 बार।
बार, अब बोलेंगे 12 घंटे में 11 बार क्यों हुआ, तो यहां ध्यान देंगे, ये और ये 12 घंटे में जब चेक करेंगे, यहां पर कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, 12 घंटे में जब चेक करेंगे तो ये और ये दोनों यहां पर होना चाहिए, होना चाहिए ना। लेकिन कभी भी ऐसा ये टाइम होता है क्या? जब भी ये अगर यहां चला जाएगा तो 12 ऑलमोस्ट बज ही जाएगा, है ना। मींस पहले टाइम ये था 11 बज गया, ठीक है। अब ये आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, 11:30 होगा तो ये वाला मिनट वाला आवर वाला हैंड यहां और मिनट वाला हैंड यहां पहुंच जाएगा। अब ये फिर आगे बढ़ेगा और यहां तक जब तक पहुंचेगा तब तक ये तो 12 पे जा चुका होगा ना, और ये वाला भी यहां तक पहुंचेगा ये भी 12 पे जा चुका होगा। इसका मतलब कि एग्जैक्टली 12 बजे ही मिनट वाला हैंड और आवर वाला हैंड के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है। कब बनता है? एग्जैक्टली 12 बजे। 11 बजे से 12 बजे के बीच में एक भी बार ऐसा नहीं हो पाता है, और सेम यही चीज 12 से 1 बजे के बीच में भी नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल के लिए रुकिए 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 लाते हैं घड़ी। हाँ कितना डस्ट है, सफाई नहीं होता है। अब देखिए टाइम क्या हो रहा हुआ बताइएगा बाद में, ठीक है। फिलहाल यहां पर ये देखिए बज गया 11। अब यहां से स्टार्ट करते आगे, ये घूमा 11:30 आया, 11:30 जब हुआ तो ये 11 और 12 के बीच में गया आवर हैंड। फिर आगे बढ़ेंगे, इससे ये भी आगे बढ़ रहा है, डायरेक्टली 0 डिग्री कब पहुंचा, 0 डिग्री कब हुआ, 12 बजे। और उसके बाद फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो दोबारा 0 डिग्री कब आएगा, 1:00 करके कुछ मिनट पर। यहां पर एग्जैक्टली भले ही नहीं दिख रहा होगा, इसको 1:05 मान करके चलते, ठीक है। तो 1:00 करके कुछ मिनट पर जाएगा, तो इसका मतलब 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितना बार बना, कितना बार, दो कहां बना, एक तो बच चुका है ना 1 बजे से पहले और 11 बजे के बाद, 11 से 1 के बीच में बोले हैं, इसका मतलब ना 1 बजे है ना 11 बजे है, तो कितने बार, एक बार। इसका मतलब यहां से यहां तक के बीच में कितने बार, एक बार। उसी तरीके से 11 और 12 के बीच में, तो बताइए इतना क्यों सोच रहा है, सही बोल रहे हैं आप, तो पारा से बोली ना वहां नहीं बन रहा है, तो यही पूछ रहा है, यहां नहीं बनता है लेकिन फिर भी पूछ ले रहा है कि आप लोग भूले नहीं ना, तो यही बता रहे कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में एक भी बार नहीं बन पाता है, सिर्फ एग्जैक्टली 12 बजे ही बनता है, और फिर 12 बजे से 1 बजे के बीच में भी एक भी बार नहीं बनता है, डायरेक्टली 1 बजे के बाद बन जाता है वो, ठीक है, यही बता रहे थे। तो 0 डिग्री का एंगल 12 घंटा में, 1 घंटा में एक बार, तो 12 घंटा में जो यहां वाला टाइम है इस दोनों के कारण 12 घंटे में ऐसा नहीं हो पाता है, 12 घंटा में 11 बार ही हो पाता है। 12 घंटा में कितने बार हो पाता है, 11 बार। अच्छा 12 घंटा में 11 बार, तो 24 घंटा में 12 दो बार आते हैं, 12 घंटा, तो 1 12 घंटा में 11 बार, दूसरा 12 घंटा में भी फिर 11 बार, तो 24 घंटा में कितना बार, 22 बार। ये क्लियर होगा ना, इसमें कंफ्यूज नहीं ना होंगे कि 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 23 बार नहीं ना करेंगे इसको, नहीं ना, ठीक है। तो 24 घंटे में कितना बार, कितना बार, 22 बार, हम 23 सुन रहे थे। चलिए अब ये तो निकाल लिए, लेकिन अब हम लोग को निकालना है टाइम भी, इतने बार होता है ये तो पता चल गया, लेकिन अगर टाइम दे दिया जाए जैसे कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में, अब निकालना है कि कितना कितना बजे एग्जैक्टली कितना बजे 0 डिग्री होता है, या फिर टाइम पूछ दिया जाए कि 3 बजे और 4 बजे के बीच में बताइए कि कितना बार, कब ऐसा टाइम होता है जब एंगल जो होता है वो 0 डिग्री का बन जाता है मिनट और आवर का, ऐसा भी तो पूछा जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर ट्रिक है, ट्रिक क्या है, मल्टीप्लाई द गिवन आवर बाय 60/11। अब यहाँ पर जो भी टाइम दिया हुआ रहेगा उसको 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना है,
गुना कर देना है, ठीक है? तो 60/11 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को या 4 को? ये भी तो कंफ्यूजन आता है, 3 को या 4 को किसको करेंगे? नहीं, इसमें हम लोग छोटा वाला नंबर यूज करेंगे, 4 नहीं ले सकते। देखिए क्यों, बजा कितना है अब तक में, 3 बजे से 4 बजे के बीच बोला गया है ना, 3 बजे से 4 बजे के बीच बोला गया है ना, तो जो भी टाइम आएगा जब मिनट वाला हैंड आएगा तो उस समय तो 4 बज नहीं रहा होगा, जो भी टाइम हो रहा होगा ये कुछ ऐसा हुआ होगा, तो क्या अब तक 4 बज गए हैं? ऐसा जाएगा, यही होगा ना, तो क्या 4 बज चुका है? 4 बज चुका है, 3 ही बजा है ना अब तक, इसी हाँ 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है 3 मिनट अभी बाकी है टाइम होने में। बंद हो जाता तो कैसे जाते हैं? अच्छा ठीक है, इसको एक बार बस देख लीजिए, इसको क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से क्यों करेंगे, जो छोटा नंबर है बस उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? अब यहां पर 63 जा बाय 11, ये कर सकते हैं इजीली। अब इसके लिए हम लोग इसको पॉइंट में कभी भी नहीं लिखते, ये बस ध्यान में रखिएगा कि इसको हम लोग कभी भी पॉइंट में नहीं लिखते हैं, इसको ये जो आया ये मिनट आया है, तो मिनट कभी भी पॉइंट में नहीं जाता, इसको हम लोग होल नंबर में लिख देते हैं। होल नंबर में बोले तो ऐसे डिवाइड, कितने बार में ये जाएगा टोटल, लास्ट किससे कटेगा, 176 जाएगा लास्ट, यही होगा ना, और यहां पर बच कितना रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 × 4/11, ये आया है मिनट में, ये आया है मिनट में, तो 3 बजे से 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनाएगा, 3:16.4/11 पर, एग्जैक्टली ये टाइम है, ठीक है? 3:16 × 4/11 जो मिनट होगा ये एग्जैक्ट टाइम है, इसी टाइम में क्या होगा, 3 से 4 के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, उसी तरीके का ये सब भी टाइम होगा 1 से लेकर 12 तक के बीच में। आप लोग का ये होमवर्क है, ठीक है? अब ऐसे भी कल पढ़ाना नहीं है, परसों पढ़ाना है, तो ये वाला और ये वाला कर लीजिएगा कंप्लीट, ठीक है क्लास? चलिए जाइए छुट्टी।